Hi everyone! welcome to my channel English with Java. I'm JKJ. In today's video I am gonna tell you about a few basic things related to English and English grammar. I hope you will enjoy this video. If you like this video, so subscribe to my channel and give a thumb up so that I can carry on making many many more grammar related videos. So let's start. तो दोस्तों हर जुबान की तरह इंग्लिश के भी हरूफ तहजी होते हैं जिनको हम अल्फाबेट या लेटर्स कह देते हैं ये अल्फाबेट या लेटर्स दो तरह के होते हैं एक को हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं जिसको आम जुबान में बड़ी अंग्रेजी भी बोल दिया जाता है और दूसरे को हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं जिसको हम आम जुबान में छोटी अंग्रेजी भी बोल देते हैं वाज़े रहे के इंग्लिश के अल्फाबेट्स यानी लेटर्स ट्वेंटी सिक्स यानी छब्बीस हैं इसी तरह फिर इन छब्बीस अल्फाबेट्स को हम प्रोनंसिएशन के बेस पर दो किस्मों में तब्दील कर देते हैं दो किस्मों में डिवाइड कर देते हैं पहली किस्म वॉल्स कहलाती हैं जो कि पांच हरूफ हैं यानी पांच लेटर्स हैं ए ई आई अ यू और दूसरी किस्म कॉन्सनें कहलाती हैं यानी बकिया सारे यानी वॉल्स को छोड़कर जितने बकिया अल्फाबेट्स बच जाते हैं वो कॉन्सनेंट कहलाते हैं अब हम यहाँ पर वॉल साउंड और कॉन्सनेट साउंड में फ़र्क समझते हैं कि दोनों के साउंड में दोनों की प्रोनंसिएशन में फ़र्क क्या है तो दोस्तों वाल साउंड Walls से प्रोड्यूस होने वाली आवाज़ होती है वाल्स को प्रोनाउंस करते वक्त चूँकि मुंह पूरा खुल जाता है और बगैर किसी रुकावट के हवा मुंह से खारिज हो जाती है और टोड़ी चिन नीचे ड्रॉप हो जाती है इसलिए इसको वाल साउंड कहते हैं द प्रोनसीशन ऑफ वॉल्स अलाउ द एयर फ्लो फ्रीली कॉजिंग द चिन टू ड्रॉप इसी तरह कॉन्सनेंट साउंड क्या है तो सुने कि कॉन्सोनेस से प्रोड्यूस होने वाली आवाज़ कॉन्सनेंट साउंड कहलाती है कॉन्सोन्ट्स के तलफुज में यानी प्रोनंसिएशन में ना मुंह पूरा खुलता है और ना ही हवा बगैर रुकावट के मुंह से पास होती है बल्कि रुकावट से पास होती है जो अक्सर जुबान और दान पैदा करते हैं जैसे बी सी डी وغير. the pronunciation of consonants restrict the air flow not allowing it to pass freely